एवरीवन, दिस इज मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के पहले हाफ की रीडिंग, जो कि होगा 1 जून से लेके 15 जून तक। देखते हैं कि आप लोगों के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ जून कैसा रहेगा। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ जेमिनाई के लिए, सो देखते हैं जेमिनाई इसके लिए कैसा रहेगा। इस रीडिंग में मैं ओरेकल कार्ड इंक्लूड करूंगी और साथ में हम ऐड करेंगे एक कलर कार्ड, देखने के लिए कि कौन सा कलर आपके लिए लकी होगा। कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें जो मैसेजेस आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो अगर आप पेपाल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, क्योंकि मैं किसी और पेमेंट मोड को एक्सेप्ट नहीं करती। और मुझे रीच आउट करने से पहले आप सारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो चेक कर सकते हो, जिसमें सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ वो हैं और उसके साथ उनके चार्जेस भी हैं। तो अपना टाइम भी सेव करो और मेरा टाइम भी सेव करो। अगर आप रेडी टू पे हो दैट टू थ्रू पेपॉल, तो फिर सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जेमिनी का फर्स्ट हाफ ऑफ जून कैसा रहेगा। लेट्स बिगिन। The Hangman, paired up with Ten of Cups, King of Cups, paired up with the High Priestess. Underneath the deck you do have Four of Pentacles. अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक जो हैं वो आपके खुद की वजह से हैं, चाहे वो पैसों के मामलात में है, चाहे वो लव लाइफ के मामलात में है, चाहे वो घर के मामलात में। कुछ चीज़ें आपकी जो है वो वैसे स्मूदली नहीं चल रही जैसा शायद आप चाहोगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे डिलेज आ रहे हैं और अभी भी मतलब मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ 31 मई को, तो ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में डिलेज जो है वो फेस कर रहे हो, लेकिन ये डिलेज आगे चलेंगे एटलीस्ट जून के पहले हफ्ते तक। उसके बाद आपकी लाइफ में थोड़ा जो है वो चेंज आना शुरू हो जाएगा, आपको एक लगेगा कि मूवमेंट फॉरवर्ड होना शुरू हो गई है। काफ़ी हद तक जो डिलेज हैं मुझे लगता है कि ये आपके खुद की वजह से हैं, और आप किसी भी चीज़ को अपना फुल टाइम नहीं दे पाते हो। जो भी काम आप करना चाहते हो, जो भी काम आप शुरू करते हो, आप अपना एक होता है ना कि आप अपना 100% दो, चाहे वो रिलेशनशिप भी हो, आप अपना 100% नहीं देते हो, जिसकी वजह से इट्स मोर लाइक कि आप आप अगर एक रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो तो आपको जब तक इट्स मोर लाइक कि आपको लगता है कि शायद इसके अंदर मेरा टाइम अभी ज़्यादा देना शायद सही नहीं रहेगा, पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, मैं एम ही बिला वजह अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, या इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में आती होंगी, जिसकी वजह से होता ये है कि क्योंकि आप अपना 100% नहीं दे रहे हो तो आप हमेशा रेडी टू मूव ऑन होते हो। आपको लगता है कि चल गया तो चल गया, नहीं चला तो मैं अगले रिलेशनशिप की तरफ चल पड़ूंगा या पढ़ूंगी। तो कहीं ना कहीं एक वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ के काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ों में आप इसी तरह करते हो कि आप अपना 100% नहीं दे पाते हो या देना नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से आप हमेशा जल्दी गिव अप कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपने अपना हमेशा जो सेकंड ऑप्शन का जो एक डोर है ना वो आपने खुला रखा होता है। आपको होता है कि ये वर्कआउट कर गया तो ठीक है, नहीं किया तो अगली तरफ चल पड़ोगे, चाहे वो काम से रिलेटेड हो। आपने एक होता है आप अपना 100% अगर आप किसी चीज़ को दे रहे हो तो आप कभी सेकेंड ऑप्शन को कंसिडर ही नहीं करोगे और ना ही उसको रखोगे अपने पास, लेकिन आपकी सिचुएशन में आप हमेशा एक सेकेंड ऑप्शन ओपन रखते हो, जिसकी वजह से आपके काफ़ी सारे काम स्टक रहते हैं और आप जल्दी गिव अप कर देते हो, क्योंकि काम चलता नहीं है तो आप गिव अप कर देते हो, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मसले बढ़ते हैं। आपके अंदर गिव अप करने की वो जो एक टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो घर की सिचुएशन में हो, चाहे वो काम की सिचुएशन में हो। आपने अगर जॉब शुरू किया, आप अभी 100% अपना दे नहीं रहे हो, और अगर आपको लगता है कि चीज़ें स्लो चल रही हैं या वैसी नहीं है जैसे मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो आप गिव अप कर दोगे। तो कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेदार हो, आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं चल पाती आगे, उनका ज़िम्मेदार आप खुद हो। आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो, आप अपना एफर्ट नहीं डालते हो, उसको चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हो, जिसकी वजह से हमेशा काम ख़राब होता है। अगर आप मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेकर एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है सेकंड वीक में, अगर तो आप इस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल नहीं करते सही तरह से, और अगर आप इसमें भी
कोशिश करोगे कि आप अपना जो है मतलब गिव अप करने का जो ऑप्शन है आप ओपन रखो, बजाय इसके कि चीज़ों को वर्कआउट करो, तो आप लूज़ कर जाओगे अपॉर्चुनिटी। और मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो भी इंसान आएगा आपकी लाइफ में, प्रपोजल लेके आएगा, एक अच्छी नीयत के साथ आएगा, लेकिन अगर अगेन अगर आप अपना ऑप्शन ओपन रखोगे, चलो मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि ये चलेगा कि नहीं, और फिर मैं अगर नहीं चला तो आई कैन मूव फॉरवर्ड विद समवन न्यू। कहीं ना कहीं आप में एक वो चीज़ एक होता ना कि आप रेस्टलेसनेस है आपके नेचर के अंदर, जो कि जिसकी वजह से चीज़ें आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जंप करते हो, एक इंसान से दूसरे इंसान के ऊपर शिफ्ट कर जाते हो फौरन। आपके लिए रिलेशनशिप्स जो है वो एक रिलेशनशिप को सस्टेन करना, उसको कंटिन्यू करना, उसको मेंटेन करना, वो आपके लिए एक बहुत अनयूजुअल सी चीज़ हो जाती है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसी तरह करते रहोगे तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आप गिव अप कर रहे हो। जब भी आप गिव अप करते हो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, क्योंकि आपके अंदर एक वो नेचर में एक चीज़ बिल्ट इन है, अभी की एनर्जीज के हिसाब से वो बन चुका है, एक जो आपका नेचर है वो बन चुका है, उसको अभी चेंज करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन हाँ, ये आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है इससे आप ट्राई कर सकते हो कि आप ये चीज़ अपने अंदर चेंज लेकर आओ। और जो भी आपकी लाइफ में ये ऑफर आ रही है सेकेंड वीक में, अगर आप अगर ये ऑफर नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी इंसान के साथ डील कर रहे हो लेकिन आप उस रिलेशनशिप के अंदर अपना 100% ऐड नहीं कर रहे। अगर आप 100% ऐड नहीं कर रहे तो आपके पास ये शायद लास्ट चॉइस होगी कि आप इसमें 100% ऐड करो या आप इस इंसान को भी खो दोगे। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो रही है कि कितना इम्पॉर्टेंट है गिव अप ना करना किसी रिलेशनशिप में, और कितना इम्पॉर्टेंट है कि किसी रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ना लेना। जहाँ तक अभी तक की एनर्जीज हैं, स्पेशली स्टार्ट के अंदर, आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें स्टेगनेंट हैं। उसका रीज़न अगेन वही है, क्योंकि आप अपना 100% नहीं देते। अभी जो आपकी लाइफ में आपको शायद एक डिसीजन लेना होगा अपनी लव लाइफ से लेके, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप गिव अप कर दो इस रिलेशन को भी लेके, या आप कोशिश करो कि आप इस दफ़ा गिव अप नहीं करो और ट्राई करो कि इस रिलेशनशिप को वर्क कर सको। अगर आप वर्क कर जाते हो तो आपकी बाकी लव लाइफ, आपकी बाकी लाइफ में भी जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप हमेशा से गिव अप करते आए हो, आप उसके अंदर भी आपके अंदर ठहराव आना शुरू हो जाएगा, जो कि अभी की सिचुएशन में लैक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आपने एक डिसीजन आपकी लव लाइफ में ले लिया तो आपकी लाइफ में ठहराव आ जाएगा, एक सब्र और एक तहमल के साथ आपकी लाइफ आगे अच्छे तरीके से मूव करेगी। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी हद तक आपकी आपका ये नेचर, जो आप 100% नहीं दे पाते हो और आप हमेशा ऑप्शन जो है वो अपना खुला रखते हो कि ये नहीं तो कोई और सही, चाहे वो काम के मामले में है चाहे वो लव लाइफ के मामले में है, आप हमेशा से एक मतलब अपना 100% डेडिकेशन नहीं दे पाते हो किसी भी चीज़ में जो एनर्जीज में दिख रहा है। सो इस दफ़ा आपको एक मौका मिलेगा, या तो आप इस इंसान को लूज़ कर जाओगे अगर आप अपना 100% नहीं देते हो, या फिर आप चूज करोगे कि हाँ मुझे 100% देना है। और अगर आप 100% देते हो तो ये रिलेशनशिप आपका शादी को लीड करेगा, जिसकी मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि जब आप ये करोगे तो उससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आगे आ रहे हैं। देखते हैं कि ओरेकल क्या कहता है आपके लिए इस फर्स्ट हाफ की रीडिंग में क्या है, और लव लाइफ से रिलेटेड ओरेकल कार्ड है, तो देखते हैं। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। एग्जैक्टली यही मैं आपको कह रही हूँ कि आपने क्लियरली डिसाइड करना है इस महीने के पहले पहले हफ्ते के बाद, क्योंकि मुझे लग रहा है पहला हफ्ता आपका वैसा ही रहेगा जैसा अभी चल रहा है, लेकिन सेकेंड वीक में आपको एक एक चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है जो कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। और अगर आप इस दफ़ा भी सोचो कि नहीं मुझे इसके ऊपर 100% नहीं देना, और अपने आप को थोड़ा होल्ड बैक करो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, और डिसीजन ना लो, तो आप इस इंसान को लूज़ कर जाओगे, जो कि शायद आपके लिए अभी आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो लेकिन आपके लिए वो इंसान बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। लेकिन शायद क्योंकि आपका हमेशा से पास एक ऐसा रहा है जिसमें आपको हमेशा लगा कि चलो एक ख़त्म हुआ तो दूसरे से सही शुरू हो गया, दूसरा ख़त्म हुआ तो तीसरे से शुरू हो गया, लेकिन ट्रस्ट मी ये जो कनेक्शन जो आप मिस आउट करोगे ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ये फीलिंग आपको किसी और के साथ दोबारा नहीं आएगी। तो मेक श्योर कि आप अपने सही से एक डिसीजन लो, और ये इंसान आपके लिए लकी भी होगा और ये इंसान आपके लिए एक ब्लेसिंग बन के आएगा आपकी ज़िंदगी में। तो मेक श्योर कि आप इस दफ़ा इस एटीट्यूड को भुला कर
अपने अंदर एक ठहराव ला कर इस इंसान को कबूल करो और आगे अपनी लाइफ को इस इंसान के साथ स्टार्ट करो। देखते हैं कार्ड कौन कलर कौन सा लकी रहेगा आपके लिए इस टाइम के अंदर। स्कारलेट अट्रैक्ट सक्सेस, और ये सिर्फ आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने अंदर ठहराव लाओगे और अपना 100% डेडिकेशन किसी चीज़ को दोगे। ये शेड है बेसिकली रेड का, लेकिन जो खट्टा रेड होता है, जिस बेसिकली टोमेटो रेड काइंड ऑफ, नहीं टोमेटो नहीं, जैसे वो एक होता है ना, कौन सा टोमेटो होता है, एक तो नॉर्मल टोमेटो होता है ना, एक टोमेटो की जैसा वो एक खाने वाला कोई फ्रूट भी होता है, ये उस तरह का रेड है। आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट, लेकिन इसका कलर शेड वो है। नंबर 7 कैन बी लकी फॉर यू, प्लस नंबर 7 हो सकता है कि 7th of June वो दिन हो जहाँ पे आपको ये डिसीजन लेना हो इस इंसान को लेकर, जो कि आपकी लाइफ बदल सकता है या बदल सकती है। सो ये कलर आपके लिए लकी होगा। ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन भी अगर आप पहनो या अपने आसपास रखो, अगर कैंडल्स में आप बर्न कर सकते हो तो आप कैंडल लाइट भी कर सकते हो इस कलर की, रेड या ब्लैक। और अगर आप ये डिसीजन इस तरह से ले लेते हो और अगर आप स्टिक करते हो एक चीज़ के ऊपर, एक इंसान के ऊपर, ट्रस्ट मी आपके लिए आगे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस है। अगर आप नहीं कर पाते हो ये, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए जून के पहले 2 हफ्तों की। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सिर्फ तभी रीच आउट करो अगर आप पेपाल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के चैनल्स का लिंक ऐड करूंगी, अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो उसको। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।